नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि यहाँ पे जो मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और रिलेटेड चीज़ें इनमें इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस है, क्योंकि इसी के थ्रू, इन्हीं के वीडियोज़ के थ्रू वो आए हैं। ठीक है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो मार्केट के ऊपर बात करना, अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग, क्या मार्केट के ऊपर यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करना सही रहेगा? क्या आप लोग इसको पसंद कर रहे हो या चाहते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बात करूं? तो थोड़ा बताओ आप लोग, कमेंट में मुझे बताओ कि वैसे ये दोनों ही आपके फ़ायदे के लिए हैं। मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करूँगा या आगे मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन परमिट कर रही है, उस तरीके से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग भी चलेगा और अभी मार्केट में इन्वेस्टिंग चल रही है तो वो भी फ़ायदे की चीज़ है, तो उस पर भी बात करता हूँ। सो आप लोग बताओ कॉमेंट में नीचे कि किस तरह के वीडियोस ज़्यादा आप पसंद करोगे, स्टॉक मार्केट के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। चूँकि मैं स्टॉक मार्केट आजकल कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए उस पर बात करता हूँ। बिकॉज जो चीज़ आदमी करेगा, जहाँ से सीखेगा उसी की बात करेगा, मेरा यही तरीका है। तो बताना ज़रूर। थैंक यू।